ये कहानी है 1938 की, हंगेरियन आर्मी की, कैरिल नाम के एक आदमी की, और वो उस कंट्री का बेस्ट पिस्टल शूटर था। जो भी उस कंट्री में चैंपियनशिप हुई थी उन सबको वो जीत चुका था, और सबको ऑलमोस्ट कंफर्म था कि नेक्स्ट ओलंपिक्स 1940 में जो चैंपियन होगा वो कैरेली ही होगा। उसने सालों से ट्रेनिंग करी थी इस चैंपियनशिप को जीतने के लिए। उसका एक ही सपना था कि उसने अपने इस हाथ को दुनिया का बेस्ट शूटिंग हैंड बनाना है, और बना लिया उसने हाथ अपना बेस्ट। सिर्फ 2 साल का ही फर्क था। 1938 में वहां पर आर्मी के ट्रेनिंग कैंप चल रहा। जब वो आर्मी में था तो वहां पर एक एक्सीडेंट हुआ। जिस हाथ से उसने गोल्ड मेडल जीतना था उस हाथ पर हैंड ग्रेनेड फट गया। जो उसका सपना था, जो उसका फोकस था, सब, और वो हाथ चला गया। उसके पास 2 रास्ते थे, या तो वो रोता रहे या कहीं जाकर छुप जाए, या उसका जो गोल था, उसका जो फोकस था, उसको पकड़ कर रखे। उसने फोकस किया उस पर नहीं जो उसके पास चला गया था। उसने फोकस किया उस पर जो उसके पास था। जो उसके पास था, और क्या था उसके हाथ में? द मैन विद द लेफ्ट हैंड। एक ऐसा हाथ जिसे वो लिख तक नहीं सकता। 1 महीने तक उसका हॉस्पिटल में इलाज चला इस हाथ के। सही 1 महीने बाद अपनी ट्रेनिंग शुरू कर दी इस हाथ के लिए। ट्रेनिंग के 1 साल बाद 1939 में वो वापस आया। नेशनल चैंपियनशिप हो रहा था और बाकी भी कई तरह के पिस्टन शूटर आए थे। उन्होंने जा करके उसे कांग्रेचुलेट किया, कहा कि ये होता है जज्बा, ये होती है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। आए यहां पर हमें देखने के लिए, हमारा हौसला बढ़ाने के लिए। किसी को नहीं पता था कि वो 1 साल से अपने लेफ्ट हैंड की ट्रेनिंग कर रहा था। मैं यहां पर तुम्हारा हौसला बढ़ाने नहीं आया, तुमसे कंपीट करने आया हूं, लड़ने आया हूं, तैयार हो जाओ। बाकी सब वहां पर जो कंपीट कर रहे थे वो अपने बेस्ट हैंड से कर रहे थे, और ये कर रहा था अपने ओनली हैंड्स। और जीता द मैन विद द ओनली हैंड, कैरेली जीत गया। यहां नहीं रुका, अब उसका इरादा इस हाथ को इस कंट्री का नहीं, इस वर्ल्ड का बेस्ट शूटिंग हैंड बनाने का था। उसने अपना सारा का फोकस उठा के डाला 1940 पर, जब ओलंपिक्स होने वाले थे। लेकिन 1940 के ओलंपिक्स कैंसल हो गए। की वजह से उसने अब अपना सारा फोकस उठा के डाला 1944 पे, जब ओलंपिक्स होने वाले थे। 1944 में भी जो ओलंपिक्स होने वाले थे वो भी कैंसिल हो। वर्ल्ड वॉर की वजह से अब उसने अपना सारा का फोकस उठा के डाल दिया 1948 के ओलंपिक्स। 1938 के अंदर उसकी एज थी 28 years, और अब 1948 में उसकी एज हो गई है 38 years।
न्यू यंगर प्लेयर से कम्पीट करना मुश्किल होता चला जाता है, लेकिन ये मुश्किल का लफ्ज उसकी डिक्शनरी में था ही नहीं। वो गया वहां पर वर्ल्ड के बेस्ट चैंपियन आए हुए थे और वो अपने बेस्ट हैंड से मुकाबला कर रहे थे और ये अपने ओनली हैंड से मुकाबला कर रहा था। और कौन जीता? द मैन विद द ओनली हैंड। वो तब भी नहीं रुका। 1952 ओलंपिक्स दोबारा कंपीट किया उसने। इस बार गोल्ड मेडल कौन जीता? द मैन विद द ओनली हैंड। 4 साल बाद फिर दोबारा इस पूरी पर्टिकुलर कंपटीशन ओलंपिक्स ने पूरी हिस्ट्री को बदल कर रख दिया। किसी भी एथलीट ने लगातार 2 बार कभी भी गोल्ड मेडल नहीं जीता। जिंदगी में कभी भी किसी लूजर के पास चले जाओ, उसके पास 1000 वजह होंगी बहानों की कि वो इस वजह से वो काम नहीं कर सका। लेकिन अभी किसी भी किसी विनर के पास चले जाओ तो उसके पास 1000 वजह होंगी वो ना करने की जो वो करना चाहता है, और 1 वजह होगी वो करने की जो वो कर जाएगा।